चास मुफस्सिल थाने में गाड़ी को लगाया। तब तक गाड़ी को वहीं भीड़ में पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। आगे का शीशा पहले तोड़ा, जब हम पीछे लौटे मुड़े तो दौड़ा करके पीछे का शीशा तोड़ा, हमको खिड़की से खींचने की कोशिश की तो उसमें साइड का शीशा तोड़ा, फिर बोनेट वगैरह जितना था। इसमें सवाल ये उठता है कि बोकारो ज़िले में मेरे अनुमान से 10,000 से अधिक लोग सड़क पर थे, हजारों की संख्या में महिलाएं थी जो अपने घरेलू जीवन में जैसे रहती हैं उससे बेहतर कपड़ा और वस्त्र पहन करके अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके रोड पर खड़ी थी, और बड़ी संख्या में लोग भी उनके साथ थे, और उसके बाद सैकड़ों के तादाद में उत्पाती टाइप के लड़के भी थे। इसका मतलब है कि एक कोई ऐसी शक्ति, संगठित शक्ति काम कर रही थी, वरना घर की महिलाओं को हजारों की संख्या में सड़क पर उस प्रकार कोई 10-20 मतलब नाराबाजी करने वाले नौजवानों के कहने से घर की महिलाएं नहीं निकल सकती। और जो मुझे जानकारी मिली, पिछले 15 दिनों से उसकी तैयारी थी, और यदि 15 दिनों से तैयारी थी तो प्रशासन हजारों लोगों के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग करते हुए कहीं दिखाई नहीं दी। थाने में सारी पुलिस बैठी हुई थी। यदि प्रशासन को मैंने पूछा कि आप लोग थाने में बैठे हैं और लोग सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम लोगों को अंदाज नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में आम जनता, महिलाएं घर घर तैयारी करके निकला है, प्रशासन को पता कैसे नहीं चला? और यदि पता नहीं चला तो आखिर प्रशासन कर क्यों रही, क्या करती है? और यदि पता चला, लोग बड़ी मात्रा में निकल रहे थे, देखा, तो वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक पेट्रोलिंग की व्यवस्था कर सकती थी, नहीं किया, छूट छोड़ दी, चाहे जितना उत्पाद करना है कर लो। मेरा ये जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली कि दो मुही नीति आज झारखंड में वर्तमान सरकार निभा रही है, अपना रही है। उच्चक्के टाइप के लोगों को आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, प्रशासन को मुखदर्शक बना रही है, और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवा रही है। वरना सामान्य आदमी यदि यह जान सकता है कि बड़ी भीड़ निकलने वाली है तो प्रशासन को पता न चले, मैं इसको मान नहीं सकता और ये विश्वसनीय नहीं है। आंदोलन के पीछे संगठित शक्ति काम कर रही थी, प्रशासन उसको पता लगाए, आखिर किसने लोगों को सड़कों तक पहुंचाया, अराजकता फैलाने का मौका दिया, और प्रशासन क्यों चुप बैठी थी, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। स्थानीय नीति की बात लोग करते हैं, खतियान की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रविंद्र राज इससे बड़ा कोई खतियानधारी नहीं इस झारखंड में। और जो कल लोग आंदोलन कर रहे थे उनके मन में है कि इस राज्य में सरकार के इशारे पर गृह युद्ध कराना चाहती है, कि लोग झारखंड में आपस में लड़े कटे मरे और अपना स्वार्थ सिद्धि करते रहे। ये बहुत दुर्भाग्यजनक कल घटना घटी है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित करके अविलंब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजने का काम करे, अन्यथा जिस प्रकार से पूरे झारखंड के कोने कोने से इस प्रकार से आवाज़ निकल रही, आवाज़ आ रही है, लोग आंदोलन करेंगे, घटना घटेगी, सरकार इस पर पूरी तरह से दोषी होगी। इसलिए उस प्रकार की घटना नहीं घटे, क्योंकि लोगों में काफ़ी गुस्सा रहा प्रोसेस इस घटना के प्रति। इसलिए अविलंब सरकार दोषी व्यक्ति को चिन्हित करके उसको मुकदमा करे और जेल भेजने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसी दल का किसी कोई भी कार्यकर्ता हो, गलत गलत होता है, अन्याय अन्याय होता है। कोई व्यक्ति हो कानून से बड़ा नहीं है, कानून के दायरे में कानून का जो उल्लंघन करने का काम करता है उस पर कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी।